हेलो सर, आपसे पूछना सर, वो मेडिकल में मतलब 4 पॉइंट दिए हैं मुझे। जी मेडिकल कहाँ सेंटर था आपका सर? भोपाल सीआरपीएफ सेंटर। भोपाल सीआरपीएफ सेंटर, तो क्या क्या पॉइंट मिला है सर? ये तो वो आई वॉल में दिया जो पेन आंखों के सामने घुमाते सर, उसमें स्क्विंट स्क्विंट बोलते हैं उसको। जी सर, वो सर एक कैरी एंगल में दिया है, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड में दिया सर, और उसके बाद एक वो बीपी में दिया सर। बीपी तो देखो क्या है कि जैसे आपके दूसरे पॉइंट है ना, उनके साथ बीपी बढ़ गया आपका, आप घबरा गए। जी सर, तो बीपी का तो कोई नॉर्मल पॉइंट है, ऐसी बात नहीं है। और जो स्क्विंट है उसका भी ऐसे टूट जाता है वो भी, यदि ज्यादा नहीं है तो, क्योंकि आप क्या होता है कि कई बार गलती करते हो आप लोग, आप गर्दन घुमा देते हो उसके साथ में। जी सर, जी सर। और आपको भी यदि ध्यान आ रहा हो तो ये हुआ होगा कि आपने गर्दन घुमा दिया होगा उसके साथ। जी सर, जी पैन आपको दिखाया होगा। जी सर, तो पैन के साथ यदि आप गर्दन मूव कर देते हो तो वो नहीं करना है सर। तो वो कैरी एंगल में पॉइंट दिया सर। आप कैरिंग एंगल में एक्चुअली क्या कैरिंग एंगल सर कितना है वो नापेंगे, एक्सरे करेंगे वो लोग एक्चुअली प्री मेडिकल में। जी सर, एक्सरे करते हैं प्री मेडिकल में। हाँ, एक्सरे करेगा री मेडिकल। कहाँ आपको सेंटर दिया है सर? वो भुवनेश्वर दिया सर, वहाँ से भोपाल बहुत दूर पड़ जाता, तो आप पूछना जाए कि नहीं जाए। नहीं नहीं जाओ यार, बिल्कुल जाओ। भुवनेश्वर तो देखो इसलिए दिया है कि जो ए कैटेगरी का बी कैटेगरी के पॉइंट है ना आपके। जी सर, जैसे आँख का जो स्पेशलिस्ट है वो भुवनेश्वर, वो पहले से प्लान बना हुआ है कि किस सेंटर का कहाँ भेजा जाएगा कैंडिडेट। जी 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 सर, यानी आपके साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे ना जिनका वेट का पॉइंट है या किसी का कैरिंग एंगल का है, उनको उनका भोपाल में ही हो रहा है। जी सर, साथ में सर बहुत सारे लड़के हैं, मतलब उनमें 16-10-12 लड़के थे जिनको वो पॉइंट दिया सर डॉक्टर ने, 27 में से। हाँ, 27 में से जो दिया है तो कोई बात नहीं यार, 27 के 27 तो देखो फिट करते भी नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। जी सर, सर वो दूसरे रूम वाले मतलब हमारे रूम में किए, और दूसरे रूम में सर वो डॉक्टर अच्छे वाले थे, उनने सभी को फिट कर दिया सर। 30 के 30 फिट कर दिए। जी सर, वो तो डॉक्टर टू डॉक्टर देखो डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। आप जाइए भुवनेश्वर, जरूर जाओ आप, और अपना थोड़ा आत्मविश्वास रखना। जी सर, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार आपका मेडिकल हुआ है? जी जी सर। पहले कभी आपने कभी चेकअप नहीं करवाया? पहले नहीं करवाया सर चेक, बीपी वगैरह भी नहीं चेक करवाया कभी? नहीं करवाया सर बीपी चेक। बीपी तो चेक करवा के देखना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी आप जाइए आराम से। और जो आपका जो हाथ का जो है ना कैंडल में मतलब आपके हाथों का एक पिक भेजना हमें। नहीं सर, उनने वो दिया है वो उसमें लिखा है उनके सामने। नहीं, वो जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन हम देखना चाहेंगे हमारे डॉक्टर ना यहाँ पे। जी जी सर, जी सर, जो हमारे डॉक्टर यहाँ प्री मेडिकल चेकअप करते हैं, हम एक बार उनको दिखा लेंगे कि ये कैरिंग एंगल कितना हो सकता है। जी सर, जी सर। और आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, फिट होंगे। जो भी कैंडिडेट प्री मेडिकल मिल रहा है वो आधे से ज्यादा फिट हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। कितना मार्क्स आ रहा है आपको सर? 65 से सर। क्या क्या कैटेगरी है? SC सर। मध्य प्रदेश के ही हो आप? जी सर। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अभी जाइए आप, 60 के आसपास कट ऑफ है ज्यादा आपका SC का? जी सर, 61 गया सर। 61 गया ना, 4 नंबर ज्यादा है आपका। जी सर, तो आपको भोपाल में भोपाल CRPF का सेंटर है या SSB का? CRPF का सर। CRPF का सेंटर है। जी सर, और कितने कैंडिडेट्स आपके बुलाए थे? कल था मेडिकल आपका या आज था? नहीं सर, कल था, 60 कल बुलाए थे, 60 आज बुलाए थे SC कैटेगरी के। कल भी 60 बुलाए थे, तो 60 में 2 डॉक्टर मेडिकल कर रहे हैं 30-30 कैंडिडेट का। जी सर, जी सर। तो पहली बात तो देखो यही है कि जो मेडिकल गाइडलाइन है ना, जी सर, वो ये कहती है कि 20 डॉक्टर का 20 कैंडिडेट्स का एक डॉक्टर मेडिकल करेंगे। जी सर, लेकिन वो तो कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात। जी सर, जी सर। अब वो 30 में से जैसे कल आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट हुए आपके? जी सर, हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए सर। कल डॉक्यूमेंट में भी आउट किया था किसी को? नहीं सर, डॉक्यूमेंट में एक को भी आउट नहीं किया सर, सभी का सही था डॉक्यूमेंट। नहीं सर, थे किसी की कमी थी, उन्होंने टाइम दे दिया कि बुलवा लेने लगे। 5 दिन का समय दिया होगा। जी सर, ठीक है। और जो बंग रसिया में है सेंटर भोपाल में? जी सर, बंग रसिया में है सर। बंग रसिया में, चलो कोई बात नहीं, तो आप जाइए अभी भुवनेश्वर। तो देखिए जो स्पेशलिस्ट है ना, आँख के स्पेशलिस्ट जो है, जी सर, जी सर, उसके अनुसार दिया है भुवनेश्वर। वो तो सेंटर अलग अलग है। री मेडिकल में 24 घंटे का समय दिया, कब आपको पहुंचना है भुवनेश्वर? जी सर, जी सर। भुवनेश्वर कब पहुंचना का समय दिया है? भुवनेश्वर पहुंचने के लिए क्या डेट दिया है आपको?
वो तीन अभी कल पहुंचना है, तो कहीं कल आ जाना, यहाँ पर फॉर्म जमा कर देना, उसके बाद कहीं बता देंगे, 3-1 दिन में पहुंचना सर। हाँ, कल बिल्कुल ठीक जी है, सर, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए भुवनेश्वर, और अभी जो है थोड़ा आत्मविश्वास बनाए रखो, घबराना नहीं है, घबराहट जी सर, जी में सर, क्या होगा, बीपी का पॉइंट आपका घबराने से बना है, जी सर, जी सर, और थोड़ा सा एंगल वगैरह जैसे पहले से चेकअप होता है ना, तो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं उसका, लेकिन अब तो जैसा है वैसे ही जाइए, जी सर, जी सर, जी सर, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जी आत्मविश्वास सर, बनाए रखो, अच्छा ही होगा, ठीक है। जी सर।